Hey, what's up guys, welcome back to the channel। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Tekken 8 के ग्राफिक्स के बारे में। नाउ इस चीज़ के मामले में Tekken कम्युनिटी एकदम स्प्लिट हो चुकी है दो हिस्सों में। कुछ का मानना है कि Tekken 8 के ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है और कुछ कह रहे हैं कि Tekken 8 के ग्राफिक्स इतने इंप्रूवमेंट नहीं है Tekken 7 से जितनी होनी चाहिए थी। नाउ इसके पीछे की रीज़न है पहला ट्रेलर और दूसरे और तीसरे ट्रेलर का डिफरेंस। आपको याद होगा पहले ट्रेलर में हमें कितनी डिटेल से भरी हुई स्टेज दिखाई गई थी और कैरेक्टर मॉडल्स भी कितने डिटेल से भरे हुए थे। काजुए के जो स्कार था और जो वाटर ड्रॉपलेट्स और उनका फेशियल स्ट्रक्चर जो भी था, एनिमेशन, लिप्स एनिमेशन भी अच्छा था। और ओवरऑल जिन और काजुए जो फर्स्ट ट्रेलर में जैसे दिख रहे थे वो बाकी ट्रेलर्स में हमें वैसे देखने को नहीं मिले। आपको याद होगा फर्स्ट ट्रेलर में जिन के काफ़ी शॉर्ट एयर होते हैं और जो बाकी के हमें ट्रेलर देखने को मिलते हैं उसमें जिन बिल्कुल Tekken 7 जैसा ही दिखता ऑलमोस्ट। इसकी वजह से Tekken कम्युनिटी काफ़ी स्प्लिट हो चुकी है कि पहले ट्रेलर में इतने अच्छे ग्राफिक्स दिखाए गए और शायद वो मेड अप ट्रेलर था हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कि Tekken 8 बिल्कुल अलग ही होने वाला है, Tekken 8 एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बट जैसे ही सेकेंड ट्रेलर थर्ड ट्रेलर आया हमें सब पता चल गया। नाउ मेरा मानना है कि फर्स्ट ट्रेलर में जो थे कैरेक्टर मॉडल्स, फेशियल जो उनका स्ट्रक्चर था, फेशियल डिटेल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और सेकंड ट्रेलर में सच बताऊं, सेकंड और जो ये नीना का ट्रेलर था जो TWT शोकेस में दिखाया गया उसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। और देखिए उस स्टेज में जो वेदर था, कुछ फैंस का ये मानना है कि जो उसमें वेदर था और जो उसमें लाइटिंग कंडीशन थी उसकी वजह से वहाँ पे वो इतने डिटेल्स दिख रही थी, इतने डिटेल्ड कैरेक्टर मॉडल्स हमें देखने को मिल रहे थे। और अभी क्योंकि Tekken 8 अपने डेवलपमेंट स्टेज में है तो इसको अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा इसमें, सो दैट्स वाई हमें अभी इतना अच्छा नहीं दिखाया जा रहा। और वो सिर्फ लाइटनिंग की वजह से फर्स्ट ट्रेलर में, क्योंकि स्टेज उस तरीके का था, डार्क था, नाइट वाला स्टेज था, सो दैट्स वाई उसमें हमें इतने कैरेक्टर डिटेल्स दिख रही थी। नाउ एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, Tekken 8 के ट्रेलर में हमें जो कैमरा एंगल देखने को मिला था, मतलब कैरेक्टर से कितना दूर कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा था। वो लाइक Tekken 5, आपको याद होगा Tekken 5 में कैरेक्टर से कितना दूर रहता था, कैरेक्टर छोटे छोटे दिखाई देते थे इस स्टेज में और मतलब एक वाइड एंगल पे दिखाई जाते थे कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट ट्रेलर में कुछ ऐसे देखने को मिला, जो कैमरा एंगल था मेरे हिसाब से वो थोड़ा दूर था कैरेक्टर से। और सेकेंड और थर्ड ट्रेलर में, सॉरी ये पॉज हो गया, सॉरी गाइस मेरा नेट ढंग से नहीं चल रहा। सेकेंड और थर्ड ट्रेलर में हमें जो कैमरा एंगल होता है वो काफ़ी क्लोज दिखाया जाता है। ये इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पता फर्स्ट ट्रेलर मेड अप ट्रेलर हो, एक्चुअल ना हो Tekken 7 का, बट कुछ कह नहीं सकते अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में। नाउ अगर हम फीमेल कैरेक्टर मॉडल्स की बात करें तो वो मुझे जैसे मैंने सेकेंड ट्रेलर देखा और मैंने जून कज़ामा को देखा मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि यार जून कज़ामा अभी ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की होगी, 45 ईयर ओल्ड होगी और वो वैसे दिख नहीं रही। जून कज़ामा ऐसे लग रही है जैसे 20 साल की होगी, वो जिनकी माँ है लगता ही नहीं है कहीं से देख के। उसे देख के मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ कि ये फिर से वही Tekken 7 वाले कैरेक्टर मॉडल्स देखने को मिलने वाले हैं इसमें, बिल्कुल फ्लॉलेस सारी फीमेल कैरेक्टर Tekken 7 में भी एकदम वैसी थी नहीं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो लेटेस्ट नीना का ट्रेलर आया है उसमें नीना, हालांकि वो भी फ्लॉलेस ही लग रही है उसमें, ऐसा कोई फेशियल डिटेल्स नहीं है उसकी, एकदम फ्लैट है, बट शी लुक डिफरेंट और वो उसमें थोड़ी ओल्ड लग रही है, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, एक चीज़ तो जो सारे ट्रेलर्स में सेम थी वो थी स्टेजेस बहुत बढ़िया थे। आप देख सकते हो इस गेम प्ले में भी ये कैलसियम जो है ये मॉडल कॉम्बैट में हुआ करता था, ये स्टेज पहले काफ़ी पॉपुलर था और ये स्टेज जो है ये मुझे भी लगा था पहले कि ये इन्फिनिटी स्टेज होगा, बट नहीं, ये वॉल वाला स्टेज है, काफ़ी बड़ा स्टेज है ये। स्टेजेस काफ़ी बढ़िया यार Tekken 8 में, सच बता रहा हूँ। वो लार्स वाला स्टेज जो सेकेंड ट्रेलर में देखने को मिला था जिसमें लार्स और शायद जैक की फाइट हो रही थी जिसमें पीछे लाइट ही लाइट्स थी, वो काफ़ी बढ़िया स्टेज था लिटरली यार। और लेट मी स्किप दिस एड। मैं क्या कह रहा था, हाँ स्टेजेस तो यार बढ़िया है Tekken 8 में, आप कुछ भी कहो। स्टेजेस के मामले में
तो मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। बट हाँ, ग्राफिक्स के मामले में सच में अब अभी अभी हमें जिन कजामा का रेज आर्ट देखने को मिला था TWT में, तो अगर आप उस रेज आर्ट को फर्स्ट वाले ट्रेलर के रेज आर्ट से कंपेयर करोगे तो यार पता नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल अलग ही लगा वो। और कुछ मैंने कमेंट्स पढ़ा था कहीं पर, कुछ फैंस का मानना था कि ये फर्स्ट ट्रेलर के हिसाब से तो एकदम मोबाइल गेम लग रहा है। अब मैं मोबाइल गेम भी नहीं कहूँगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। बट हाँ यार, ये बात तो थी, अगर जिनका रेज आर्ट मैंने जो नया वाला देखा वो फर्स्ट ट्रेलर के हिसाब से नहीं लग रहा था इतना अच्छा। कुछ तो ग्राफिक्स में कमी थी, कुछ तो था जो अलग लग रहा था। मैं इसकी क्वालिटी कम कर देता हूँ ताकि ये रुके ना। सो हाँ, टेकन 8 के ग्राफिक्स के बारे में अगर मुझे सब कुछ बोलना हो तो यार देखो, टेकन 7 से तो बढ़िया है ये, इसके कैरेक्टर मॉडल्स अच्छे हैं, टेकन 7 से तो अच्छे हैं। बट जो फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया गया था, पता नहीं क्यों वो वाली वाइब अभी हमें किसी दूसरे ट्रेलर में नहीं दिखाई दी। फर्स्ट ट्रेलर बिल्कुल अलग ही लग रहा था, एकदम ग्राउंडेड लग रहा था, वो टेकन 4 वाली वाइब दे रहा था। टेकन 4 में जैसे पूरा ग्राउंडेड गेम है, रियलिज्म पे पूरा बेस्ड है, उसमें पोकिंग खाली और इतने इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। फर्स्ट ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही था, उसमें हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले और काफ़ी डिटेल से भरा हुआ था, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा था। और जैसे ही सेकंड ट्रेलर आया, सीट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, काफ़ी डिफरेंट लगा फर्स्ट ट्रेलर से। और ये TWT शोकेस में भी काफ़ी, जितना भी गेम प्ले हमें देखने को मिला काफ़ी फ्लैशी था, यू नो, ये जितना भी हीट सिस्टम है काफ़ी फ्लैशी लग रहा है ये। सो यही है, इसी चीज़ से जो टेकन के फैंस है, जो कम्युनिटी है, वो स्प्लिट हो गई है दो हिस्सों में। एक जो फर्स्ट ट्रेलर के हिसाब से जज कर रहे पूरे गेम को, और एक जो कह रहे कि नहीं यार ये इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है टेकन 7 की। देखो मेरा मानना यह है कि फर्स्ट ट्रेलर तो था ही बिल्कुल अलग, पता नहीं उसकी वाइब ही अलग थी, और उस हिसाब का ट्रेलर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। हो सकता है फ्यूचर में हमें इसके बारे में कुछ और पता चले, बट आई थिंक यार टेकन 8 इज़ गुड। वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, इतना सारा इन्होंने हीट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, हेल्थ गेज वगैरह जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है TWT में, इसके कई सारे न्यू मैकेनिक्स हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसके न्यू मैकेनिक्स कैसे काम करेंगे, क्या है, जितना भी एक्सप्लेन किया गया TWT में वो मैं आपको बता दूंगा। तो टेकन 8 काफ़ी डिफरेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो, ये तो डेवलपर्स का मानना पड़ेगा, उन्होंने रिस्क लिया है। बट एट द एंड वो फर्स्ट ट्रेलर वाली वाइब थी वो नहीं आई बाकी ट्रेलर्स में। लेकिन यार जो भी कहो, टेकन 8 है बढ़िया, उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पर और कुछ डिफरेंट क्रिएट किया है, लग रहा है कुछ अलग टेकन गेम लग रहा है। सो गाइस, इतना ही कहना था आज के लिए। आप क्या सोचते हैं टेकन 8 के ग्राफिक्स के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।